तो भाई आज फिर से मोटिवेट वीडियो, तो आज इस वीडियो के अंत तक बने रहना। मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छी नहीं बन रही होगी, वीडियो की अच्छी क्वालिटी नहीं होगी, वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, लेकिन फिर भी मेरे अंदर जो जुनून है, जो आग भरी हुई है मुझे कुछ करने के लिए, मेरी बड़ी दुनिया मतलब इतनी बड़ी दुनिया में कुछ करने के लिए जो आग भरी, मैं आपको सब बता रहा हूँ कि आग अगर आप ये बातें नहीं आज समझ रहे हो ना, तो आपको बहुत दिक्कत देने वाली है भाई। ना समझो ये मेरे मतलब कि मैं समझा रहा हूँ, समझना आपके बस की बात है, लेकिन ना समझो ये आपके ही बस की बात है। बहुत लोग होते हैं समझ जाते हैं, बहुत लोग होते हैं नहीं समझ पाते। स्टार्टिंग में मैंने भी नहीं समझ पाया था, लेकिन जब आपके सर में जिम्मेदारियां आएंगी ना भाई, तो आपको हर एक बात समझ में आने लगेगी जो आज आपको गौर नहीं करते, जो आप सुनते नहीं, जो आप देखते नहीं हो। जब आपके सर में जिम्मेदारी आएगी, तो उन्हीं बात को दोबारा देखोगे, उन्हीं के टाइम निकाल कर फिर सोचोगे, अरे यार इतनी बड़ी भूल कर बैठा, काश मैंने ये काम कर लिया होता तो आज मैं इस मतलब कि इस फील्ड में नहीं होता, ना जाने कि हाँ होता, ये भी सोचते हो भाई। लेकिन जो निकल गए उसे पछताने से कुछ नहीं है, फिर हम कुछ अभी अभी भी कर सकते हैं, हमारे पास अभी भी टाइम है। लेकिन आप सोचोगे फिर 4 घंटे 2 दिन मतलब इस तरह सोचने में टाइम वेस्ट कर दोगे, वो टाइम भी निकल जाएगा, मतलब कि जो टाइम हमें करना चाहिए वो सोचने में निकाल देते हो। यहाँ पर भाई बहुत मिस्टेक होती है, बहुत बंदे मिस्टेक करते हैं। तो भाई मुझे बता दो, सफलताएं ऐसे नहीं प्राप्त हो जाती, अगर सफलताएं ऐसे मिल जाती ना, तो आज हर बंदा सफल होता, कोई कोशिश ना कर रहा होता, कोई इतनी मेहनत ना कर रहा होता, रात दिन जो मेहनत करते हैं वो सफल होते नहीं। और आप लोग 2 घंटा मेहनत किए और सोचते हो अरे भाई मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की, मेरे सफलता क्यों नहीं पाई। तो भाई जो 12 घंटा 24 घंटा मतलब की सफलताओं के प्रयास करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, मेहनत करते हैं, उनको क्या होगा, वो क्या कर रहे हैं, वो घंटा छील रहे हैं क्या, घंटा बजा रहे हैं क्या, वो तो तुमसे ज्यादा मेहनत कर, उन्हें सफलता नहीं मिली, आप लोग सफल होने की सोच रहे हो भाई। तो मायने ये नहीं रखता कि मतलब कि वो काम कर रहा है मैं भी कर रहा हूँ, मायने ये रखता है कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हो। बहुत सारे बंदे होते हैं मतलब जैसे 2 बंदे होते हैं, एक बंदा तो बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है, लेकिन एक बंदा तो मतलब बहुत ज्यादा आलसी होता है, बहुत कम काम करता होता है, लेकिन एक बंदा अपने काम में ही फोकस करता है, और दूसरा बंदा सफल हो जाता है, जो कम काम करता था वो सफल हो जाता है, और जो बहुत ज्यादा मेहनत करता था वो बंदा नहीं सफल हो पाता। आप पूछते होगे कि ये कैसे भाई, जो बंदा मेहनत करता है उसे सफल होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल गलत है भाई। जो बंदा मेहनत नहीं करता था, जो आलसी था, अगर उसे कुछ काम दिया जाए तो वो आलसी होने के बावजूद वो उस काम को शॉर्टकट में करने के प्रयास करता था, शॉर्टकट के रास्ते ढूंढ रहता था कितना छोड़ ये काम कर सकूं, इस प्रकार से वो सोचता रहता था। लेकिन जो बंदा मेहनत करने वाला होता था, तो उस बंदे को बहुत ज्यादा मेहनत करता था, बहुत ज्यादा टाइम देता था उस पर, और बहुत ज्यादा अच्छे से करता था। और जो बंदे को मतलब कि आलसी था, वो शॉर्टकट में ढूंढता था रास्ता, इसकी वजह से वह सफल हो गया। लेकिन भाई इस प्रकार की सफलता, वो बंदा कुछ दिन तो बहुत अच्छे मतलब बहुत ज्यादा पैसा कमा ले, लेकिन जो दूसरा बंदा बहुत मेहनत करने वाला था, वो बहुत ज्यादा निराश था, इस प्रकार से मतलब कि अपने काम में फोकस करता था, बहुत ज्यादा मेहनत करता था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ 2 साल तक। 2 साल के बाद उस बंदे ने, वो बंदा जो सफल हो गया था, कम मेहनत करने वाला, वो बंदा सफल हो गया। पूछोगे मतलब कि असफल हो गया, मतलब कि जिस फील्ड में वो काम कर रहा था उस काम में शॉर्टकट की वजह से वो काम नहीं अच्छे से कर पाया। और जो बंदा 2 साल तक और मेहनत करता रहा बिना बिना सफल हुए, तो वो बंदा जब सफल हुआ भाई, तो वो लाइफ टाइम के लिए सफल हो गया, वो जिंदगी में कभी हार नहीं सकता, और कभी फिर मतलब कि उस फील्ड से कम नहीं मतलब कि आगे ग्रो करता जाएगा। लेकिन जो बंदा शॉर्टकट वाला था वो धर जाएगा, और वो दोबारा फिर उठने की उसमें हिम्मत ही नहीं रह जाएगी भाई। तो मैं आपको बता दूं, आप सफल हो जाओगे, अगर अगर शॉर्टकट से जाओगे आप सफल तो हो जाओगे, बट यहाँ पर सफल होने के बाद आप पता नहीं कब आप बहुत जल्दी नीचे गिर सकते हो। लेकिन जो बंदा मेहनत कर से सफल होता है, वो भाई लाइफ टाइम के लिए सफल हो जाता है, अपनी जिंदगी का एक वो ऐसा वसूल बना लेता है कि वो कभी अब असफल नहीं हो सकता, वो आगे ही ग्रो करता जाएगा। लेकिन जो बंदा शॉर्टकट वाला था, वो उसका ये भरोसा नहीं होता ये बंदा कब ना सबसे नीचे आ जाए भाई, और आने के बाद लाइफ में दोबारा उठ नहीं सकता, इतनी गहरी चोट लगती है दिल में, इतनी गहरी तेज गिरता है वो कि दोबारा उसमें उठने की हिम्मत ही नहीं बचती है भाई। लेकिन जो मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करता है, अगर वो एक बार गिर भी जाएगा ना, वो दोबारा उठने का प्रयास जरूर करेगा, और दोबारा उठकर अगर उसने मेहनत कर दी ना भाई, तो मेहनत करने के बाद मैं ये उम्मीद के साथ कह रहा हूँ कि उसे जिंदगी में कोई हरा नहीं सकता। जो बंदे एक बार गिरने के बाद, 2 बार गिरने के बाद फिर से उसी लगन से मेहनत कर रहा है ना, जिंदगी में वही इंसान सफल बनता है भाई। ऐसा नहीं होता कि एक बार असफल हो गया, एक बार मतलब कि छत में चढ़ा और गिर गया, तो दोबारा उसने प्रयास नहीं किया छत में चढ़ने का, दोबारा कैसे पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। और एक बंदा होता है कि एक बार गिरा, चलो ठीक है दोबारा चढ़ूंगा, फिर गिरा फिर चढ़ेगा, ये सोचने वाला कि चाहे मैं 1000 बार गिरूं, लेकिन मैं इस फील्ड में ग्रो करके रहूंगा, इस फील्ड में मतलब कि अपनी वैल्यू बना के रहूंगा, तो वो फील्ड मतलब कि वो बंदा सक्सेस होता है, लाइफ टाइम के लिए सक्सेस होता है। लेकिन जो बंदा शॉर्टकट में सोचता है और एक बार गिरने के बाद दोबारा उठने का प्रयास ही नहीं करता, तो वो बंदा कैसे भाई सफल होगा, नहीं होगा, वह लाइफ टाइम के सफल नहीं होगा।
पाएगा, लेकिन जो बंदा मेहनत करता है ना, और जो बंदा ये सोचता है कि एक बार असफल हो जाऊंगा, 1000 बार सफल हो जाऊंगा लेकिन फिर भी मैं सफल होकर दिखाऊंगा भाई, तो वो बंदा सक्सेस होने से उसे कोई नहीं रोक सकता, दुनिया किसी कोई ताकत नहीं जो उसे रोक सकती है भाई। सबसे मेन चीज ये होता है भाई कि अपने आप से नहीं हारना है भाई, दुनिया वाले आपको हराने का बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे, लेकिन अगर आपसे नहीं, आप खुद से नहीं हारोगे ना, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा सके। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपसे नहीं हारे होगे ना, आप एक बार असफल हो गए, 2 बार 3 बार कितनी बार भी, लेकिन आपके दिल में ये होगा कि नहीं भाई मैं इस काम को कर सकता हूँ, कर सकता हूँ यार, मैं कर सकता हूँ यार, मुझसे होगा। मैं अभी तो ये ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी भाई, 2 बार आप असफल हो गए तो क्या हुआ, अभी मैं कर सकता भाई से। बस अगर आपके दिमाग में ये है कि मैं ये कर सकता हूं, तो भाई वो कर सकते हो, हो सकता है कि वो आपको मतलब कि और बड़े फील्ड में भगवान आपको भेजना चाहता है, आप छोटे फील्ड में हो लेकिन वो और बड़ा आपको बनाना चाहता है, जिस पाने की औकात में हो आप, वो भगवान आपको दिलाना चाहता है, इसलिए आपको 2 बार 3 बार असफल कर रहा है भाई। जिस मतलब कि जितनी बार असफलताएं होती है ना भाई, उतना अंदर से हमें मजबूत बनाती है, लेकिन जो बार जो बंदा उस सफलताओं को असफलता मतलब कि असफल होने के बाद दोबारा प्रयास नहीं करता, वो बंदा टूट जाता है, वो मतलब कि कुछ नहीं लागू कर सकता, वो बंदा बेकार है भाई। उससे अच्छा तो जीने से अच्छा मर जाना ठीक है भाई, लेकिन जो बंदा मेहनत करने के जुनून में होता है भाई, वो दुनिया में सक्सेस होता है भाई, वही इतिहास बनाता है भाई। तो उम्मीद करता हूँ कि मोटिवेशन वीडियो थोड़ी अच्छी लगी होगी, लेकिन क्वालिटी वाइज और मेरी मतलब कि बोलने का तरीका अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन भाई जो मेरे दिल में था मैंने आपको बताया था, ठीक है भाई। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।